आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ और क्या हो रहा है, और आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आपको लगा होगा कि देश के प्रधानमंत्री देश का एक प्रदेश जल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो कहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि देश का प्रधानमंत्री हवाई जहाज में जाकर इम्फाल में, कम से कम इम्फाल में लोगों से बात करेगा। नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है, मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, जो महिलाओं को चोट पहुंची है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। कि आप अपने देश से प्यार करते हो, तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो फिर आपको देश से जुड़ना भी पड़ेगा। जुड़ोगे कैसे? जनता के बीच में जाके, उनकी कठिनाइयों को समझ के, उनके बीच में रह के, और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से बर्ताव करके। मणिपुर में इन्होंने नफरत की बाजार खोली, चलिए हम जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मजे की बात देखिए, ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं, और जैसे ही हमने नाम लिया, उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं।